Good morning, student. How are you all? I hope you are all fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Now, introduction. Computer is an electronic machine that performs tasks according to a set of instruction or program. Computer is a combination of hardware and सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसमें प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, पहले से ही जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं उसी के ऊपर कंप्यूटर वर्क करता है. कंप्यूटर मेनली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. नाउ डिस्कस हार्डवेयर. द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर. एग्जाम्पल कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा. द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब पार्ट क्या है, हार्डवेयर. जैसे कीबोर्ड, ऑल स्टूडेंट फेमिलियर कीबोर्ड माउस, तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. मॉनिटर्स. नाउ नेक्स्ट सॉफ्टवेयर. अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. सॉफ्टवेयर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि यूजर किसको देता है, कंप्यूटर को. ओके, नाउ बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू वन अनादर. कंप्यूटर्स एज यू मस्ट बी नोइंग फॉलो द IPO प्रिंसिपल. वॉट इज द IPO प्रिंसिपल? मीन्स इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. ठीक है, इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर. ALU रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट, CO यूनिट, कॉम्बिनेशन ऑफ CPU. ये CPU के पार्ट्स हैं, ALU रजिस्टर एंड कंट्रोल. मेमोरी इज अनदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर. इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट. एंड बस कनेक्टेड ऑल पार्ट्स. बस के थ्रू क्या है, ये सारे पार्ट्स के आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं. नाउ लेट अस डिस्कस इनपुट यूनिट. एन इनपुट यूनिट टेक्स द इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी फॉर्म सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. द इनपुट यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू कंप्यूटर understandable form binary codes. ठीक है स्टूडेंट, यू नो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को. जीरो एंड वन, बाइनरी लैंग्वेज में कौन से नंबर्स यूज करेंगे, ओनली टू नंबर्स यूज होते हैं, जीरो एंड वन. नाउ एग्जाम्पल ऑफ इनपुट यूनिट इज कीबोर्ड एंड माउस एंड माइक. ऑल आर इनपुट यूनिट. आउटपुट यूनिट, द आउटपुट यूनिट is formed by the output devices attached to the computer. Output unit convert the output in binary form to human readable form. अब जो data हमें input unit से मिला वो कैसा है, binary format में, means 0101 format में. अब user है, human being है, वो तो ये language समझेगा नहीं 0101 binary language को, तो उसको किस में convert करेंगे, हम human language में. और convert करके उसको display करने का work कौन करेगा, output unit. Some example of output unit is monitor, printer and speaker. Okay. Now next is CPU, central processing unit. The CPU is a processing device. It is called brain of the computer. It is responsible to process the input data. The CPU has some sub-component that help in carrying out the processing of a task. कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर, जितना डेटा इनपुट से आउटपुट जा रहा है, प्रोसेस, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, CPU, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. अब इसके पार्ट्स हैं, फर्स्ट ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. यू नो व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, ऑल आर अर्थमेटिक ऑपरेशन. And logical operators and or not are logical operator. Now we discuss later. CU, control unit.
The CU control and guide the interpretation, flow and manipulation of all data and information. The control unit even control the flow of data from input devices to memory and from memory to output device. CU. CU means control unit. तो control unit क्या करेगी? Complete जो input data है उसको process होता है और process होने के बाद कहाँ पर display होगा? Output unit पे. तो इन सबको control करने का वर्क कौन करेगा? CU. Control unit. Okay? Now, next is registers. The CPU uses registers to temporarily hold some important processing information during the time the processing is taking place. अब CPU क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है, इनपुट जो डेटा आया उसके ऊपर प्रोसेस करता है. तो उस डेटा को टेम्प्रेरी होल्ड करने के लिए, टेम्प्रेरी स्टोर करने के लिए CPU किसका यूज़ करेगा? रजिस्टर्स का. तो रजिस्टर्स जस्ट लाइक अ मेमोरी, मेमोरी की तरह हम रजिस्टर्स का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ मेमोरी, मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी. अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. मेमोरी किसकी तरह वर्क कर रही है? जस्ट ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करती है. इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन द कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर. द मेमोरी इज डिवाइडेड इन टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड सेल्स. बिट आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट फॉर डेटा स्टोरेज. 8 bit टुगेदर फ्रॉम अ बाइट. अब जो भी वर्क है, पर्टिकुलर उस वर्क को हमें क्या करना होगा? सेव करना होगा मेमोरी के अंदर. ठीक है, आपने कोई वर्क किया, इनपुट लिया, इनपुट पे प्रोसेस हुआ और उसका आउटपुट जनरेट हुआ. अब उस आउटपुट को आपको क्या करना है? फर्दर फिर यूज़ करना है, इन फ्यूचर में यूज़ करना है. उसके लिए आपको उस डेटा को कहाँ पे स्टोर करना होगा? मेमोरी में. ओके, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की होती है बिट, और 8 bit मिलकर क्या बनाएगा? 1 byte. यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट. अब ये देखो, ये यूनिट्स हैं. सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बिट. 1 bit सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. अब 8 bits मिलके क्या बनाएगी? बाइट. ठीक है, 8 bits मिलके क्या बना रही है? 1 byte, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं बी. 1024 bytes मिलकर क्या बनाएगी? 1 KB, जिसको बोलते हैं किलो बाइट, और शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे KB. 1024 kilobytes मिलकर क्या बनाएगी? 1 megabyte, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MB. एंड 1024 megabytes मिलकर क्या बनाएगी? 1 gigabyte, जिसकी की शॉर्ट फॉर्म है GB. ठीक है, तो ये सारी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट. नाउ लेट डिस्कस पार्ट ऑफ मेन मेमोरी. द मेन मेमोरी इज अ कंप्यूटर इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM. ठीक है, RAM इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज ऑल्सो नोन एज RAM. This is the part of the computer that store operating system software. It is also called volatile memory. Okay, RAM को हम बोलते हैं volatile memory. अब यहाँ नई term आई है volatile memory. तो what is volatile memory? Means erasable. Sorry, volatile memory means not permanent storage. आपका जो RAM में data store है वो permanent store नहीं है, temporary store होता है. जैसे ही आपका work क्या होगा? Finish होगा, या particular आप software को close करेंगे तो जो आपका डेटा है वो भी क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा, यदि आपने उसको सेव नहीं किया है किसमें? सेकेंडरी मेमोरी में. नेक्स्ट, द रैम चिप इन अ कंप्यूटर कैन बी ऑफ 2 basic types. फर्स्ट डायनेमिक रैम एंड सेकेंड स्टैटिक रैम. अब नाउ वी विल डिस्कस डायनेमिक रैम. डायनेमिक रैम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी इज यूज टूडे. Inside a dynamic RAM chip, each memory cell holds 1 bit of information and is made up of 2 parts, a transistor and a capacitor. Next, static RAM. Static RAM offer faster access times, about 10 nanoseconds than DRAM. ठीक है, तो DRAM से faster है static RAM. Read only memory, it's called ROM. ROM, read only memory. ROM stand for read only memory. The memory from which we can only read but cannot write on it.
ओके, तो रोम को हम रीड तो कर सकते हैं, रोम के इंस्ट्रक्शंस को हम रीड कर सकते हैं, पर राइट नहीं कर सकते. प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन इसमें फीड होते हैं, जस्ट लाइक हमारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन कि उसमें हार्ड डिस्क की स्पेस कितनी है, रैम कितनी है, वो सारा इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर होता है, रोम में, रीड ओनली मेमोरी में. दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल. नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट स्टोर है. द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इज सच मेमोरीज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर. नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज यूनिट. अब जो भी डेटा आपका प्रोसेस हुआ है, रिजल्ट जो आपको आउटपुट मिला है, उसको आपको क्या करना है, स्टोर करना है. तो वो किस डिवाइस, किस यूनिट में स्टोर होगा, स्टोरेज यूनिट में. कंप्यूटर्स नीड टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फॉर प्रोसेसिंग. द स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन. अ टेम्परेरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द रैम. ठीक है, टेम्परेरी इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है, रैम में. वेयर एज अ परमानेंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द रोम. द रैम एंड रोम आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी लाइक हार्ड डिस्क, सी डी, डी वी डी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा. ओके, जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो सारा वर्क स्टार्टिंग में कहाँ स्टोर है आपका, प्राइमरी मेमोरी में. ओके, जैसे आपने सेव बटन पे क्लिक किया, सारा डेटा आपका कहाँ चला गया, सेकेंडरी मेमोरी में, लाइक आपकी हार्ड डिस्क में. ओके, और वहाँ जाके वो क्या हो गया, परमानेंट सेव. अगर आप डेटा को परमानेंट सेव नहीं करेंगे तो आपका डेटा प्राइमरी मेमोरी में रहता है, और जैसे ही आप अपना सिस्टम ऑफ करते हैं या फिर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप क्लोज करेंगे तो जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, आपका लॉस्ट हो जाएगा. अब देखते हैं सेकेंडरी डिवाइस के एग्जांपल. फर्स्ट हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क ड्राइव दैट स्टोर एंड प्रोवाइड्स रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस और सेट ऑफ सरफेसेस. हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट होता है, कंप्यूटर का स्टोरेज पार्ट होता है, और इसके अंदर हमारा सारा डेटा क्या होता है, फीड होता है. ओके, सेकेंड कॉम्पैक्ट डिस्क. अ कॉम्पैक्ट डिस्क आल्सो कॉल्ड अ CD आर स्मॉल प्लास्टिक डिस्क विच स्टोर एंड रिट्रीव कंप्यूटर डेटा और म्यूजिक यूजिंग लाइट. कॉम्पैक्ट डिस्क replaced floppy disk because they were faster and could hold more information. सभी student familiar हैं CD से, सबने देखा हुआ है CD को. तो CD का use किसके लिए होता है, अपने data को store करने के लिए, अपने data को permanent store करने के लिए. Next DVD, compact disk का upper version है DVD. compact disk यानी कि CD में जो data है, जो data की storage capacity है वो क्या है, कम है. DVD के अंदर क्या है, data की storage capacity ज़्यादा है according to कॉम्पैक्ट डिस्क. तो DVD इज अ डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन 1995. फ्लैश मेमोरी. नेक्स्ट इज फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड. फ्लैश मेमोरी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम को, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं. ये सब क्या है, आपकी स्टोरेज डिवाइसेस. ब्लू रे डिस्क अनदर एग्जांपल ऑफ हार्ड, अनदर एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, ब्लू रे डिस्क. ब्लू रे इज एन ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट सच एज CD एंड DVD. इट वाज डेवलप्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग बैक हाई डेफिनेशन मीन्स HD वीडियो एंड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. नाउ नेक्स्ट इज सिस्टम बस. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिस्टम बस. अ सिस्टम बस इज अ सिंगल कंप्यूटर बस दैट कनेक्ट्स द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंबाइनिंग द फंक्शन ऑफ द डेटा बस टू कैरी इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगी कौन सी बस है, डेटा बसेस. एन एड्रेस बस टू डिटरमाइन वेयर इट शुड बी सेंड. जो एड्रेस बसें हैं वो क्या करेंगी कि डेटा को कहाँ पर सेंड करना है, पर्टिकुलर एड्रेस पे डेटा को सेंड करने का वो करती है एड्रेस बसेस. एंड कंट्रोल बस डिटरमाइन इट्स ऑपरेशन एंड ओवरऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको कंट्रोल करने का वर्क कौन करेगी, कंट्रोल बसेस. तो दे आर 3 टाइप ऑफ बसेस, एड्रेस बस,
second is control bus, or third data buses. Okay, now next, software. Software is another important part of computer. A computer software is a collection of computer program that provide instruction to the computer to perform specific task. अब software में computer को पहले से ही predefined instruction होते हैं, predefined पहले से ही कुछ instruction दिए हुए होते हैं कि आपको particular किसी task को कैसे perform करना है. There are three type of software. जनरली थ्री टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ वी विल डिस्कस सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर. कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, सपोज मॉनिटर पर डेटा हमें क्या करना है, शो कराना है, इनपुट जा रहा है कीबोर्ड से, माउस से, प्रोसेस हो रहा है डेटा, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. इट हेल्प द यूजर टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. और ये यूजर को कंप्यूटर को ऑपरेट करने में भी हेल्प करता है. नाउ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. It provide an interface between the user and the computer hardware. Operating system क्या provide करता है? एक interface provide कर रहा है user और hardware के बीच में. Okay, और हमारे computer की overall activities, जितनी भी activities हैं, उन सबको कौन control करेगा? Operating system. Example of operating system is Windows XP, ठीक है, Windows 2010, Windows 2007, all of the example of operating system. द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म बाई एन ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट इज मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज. सेकेंड, कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पैराफिल्स. पैराफिल्स मीन्स डिवाइसेस. तो डिवाइसेस को कंट्रोल करने का, डिवाइसेस के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है. सपोज आपको प्रिंटआउट देनी है प्रिंटर से, तो आपने कमांड दिया कहाँ से? कीबोर्ड से. और उसको कंट्रोल कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज मैनेज द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस. सिस्टम सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को मैनेज करने का वर्क करेगा. नेक्स्ट, लैंग्वेज प्रोसेसर. अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन और यूज टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड. ओके, नाउ ऑल स्टूडेंट यू नो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को जानता है? मशीन लेवल लैंग्वेज को, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज को, 0101 को. और ह्यूमन कौन सी लैंग्वेज समझते हैं? यूजर्स कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडेबल होते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में. तो लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में, एंड मशीन लेवल मशीन लैंग्वेज को वापस किस में कन्वर्ट करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज में. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स. यहाँ पे तीन तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर है. फर्स्ट असेंबलर, सेकेंड इंटरप्रेटर, थर्ड कंपाइलर. असेंबलर, असेंबलर कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन. एंड कंपाइलर कन्वर्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल इंस्ट्रक्शन, ऑल हाई लेवल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज. तो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शन है उनको एक ही बार में किस में कन्वर्ट कर, कौन कन्वर्ट कर देगा? मशीन लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर. और इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ वी विल डिस्कस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. वॉट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट पैकेजेस, एंड सेकेंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. नाउ वी विल डिस्कस पैकेजेस. देयर आर सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट. अब जो पैकेजेस होते हैं वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं, एवरी यूजर्स के लिए होते हैं, ठीक है, कोई भी उसको यूज कर सकता है. जैसे लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एम एस वर्ड सब यूजर यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी यूजर के लिए नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, MS Excel, इसको भी सब यूज़ करते हैं. प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स शीट सॉफ्टवेयर, PPTs,
एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो ये ऑल ऑफ ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये सब क्या है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं, सब यूजर्स के लिए बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मेड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी यूजर्स के लिए होते हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि उसको कौन यूज़ करेगा, ये जो सॉफ्टवेयर है लाइब्रेरी में ही यूज़ होगा और अदर यूज़र के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, उसको कौन यूज़ करेगा, रिजर्वेशन के लिए यूज़ होगा, तो रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर उनके लिए बनाया हुआ है, जनरल पर्पज के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब क्या, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इम्प्रूव द ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल एंड स्पेशलाइजेशन फंक्शनलिटी टू इट। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए क्या करते हैं, अपडेट करने के लिए बनाए जाते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर यूटिलिटीज आर एज फॉलोस, बैकअप यूटिलिटीज एंड एंटीवायरस। बैकअप यूटिलिटीज बैकअप लेने के लिए यूज होता है, और एंटीवायरस आप सब जानते हैं, एंटीवायरस यू नो व्हाट इज एंटीवायरस, बैड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज आता है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज। व्हेन प्रोग्रामर्स डेवलप सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स दे हैव ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड फंक्शन क्लासेस स्क्रिप्ट एक्सेट्रा अवेलेबल टू डू अ variety of tasks which they can use directly in their code. These predefined set of code are called software libraries. User, अब कोई नया प्रोग्राम बनाना है तो पहले से ही जो predefined प्रोग्राम है उसको यूज़ किस में से किया जाता है, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। Suppose हमें क्या करना है, किसी भी आउटपुट को इनपुट लेना है या आउटपुट शो करना है, तो इनपुट आउटपुट फंक्शन पहले से ही बने हुए हैं ये सब कहाँ हैं, लाइब्रेरीज में। तो हम क्या करेंगे, हमारा पूरा कोड ना लिख के इनपुट आउटपुट का, उसकी फाइल को हम क्या कर लेते हैं, लाइब्रेरी से हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। सम ये एग्जांपल ऑफ सम लाइब्रेरीज आर न्यूमेरिकल पाइथन, साइंटिफिक पाइथन एंड पांडा पाइथन। ओके, नाउ थैंक यू।